खबर मधुबनी जिले के जयनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां जयनगर एसडीएम कार्यालय के कक्ष में जयनगर एसडीओ श्री शंकर शरण ओमी की अध्यक्षता में विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब निसहाय दिहाड़ी मजदूर जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरी सामग्री पहुंचाने हेतु स्वेच्छा से धनराशि एकत्र कर सहयोग करने को लेकर इस बैठक में अपील कर की गई। एसडीएम शंकर शरण ओमी ने उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मियों से स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ये समय मानवता दिखाने का है और हमें इस घड़ी में आगे आके गरीब निसहाय दिहाड़ी मजदूर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रही है, पर मानवीय संवेदना के आधार पर हमें भी इस कार्य में उन गरीब निसहाय मजदूरों के लिए कुछ करनी चाहिए। श्री ओमी ने कहा कि निसहाय जरूरतमंद लोगों के लिए राशि एकत्र करना और जरूरी सामान खरीद कर वितरण किया जा सके, यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। इस बैठक में अपर एसडीओ गोविंद कुमार, जयनगर स्टार कुमार दिनेश दिनबंधु, जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता देवी, जयनगर अंचल अधिकारी संतोष कुमार, जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, जयनगर अपर थाना अध्यक्ष एस एन सारंग, देवधा थाना अध्यक्ष रमेश शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विष्णु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आरजी बिहार न्यूज के लिए जयनगर से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देखिए देखा कि हम जितने भी सरकारी पदाधिकारी जयनगर में पदस्थापित हैं, हम लोगों ने फैसला किया कि जो लॉकडाउन होने के कारण जो गरीब तबके के वैसे जो आदमी जिनका डेली कमाना और डेली खाना जैसे रिक्शा वाला या भिखारी या इस टाइप के जो लोग इन्हें मैंने रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं जिनका दैनिक जो है भोजन प्रभावित हो गया है, उन्हें हम लोग जो है खाद्यान्न और अन्न जो है सब्जियों के माध्यम से फूड पैकेट तैयार करना चाहते हैं और उसको हम लोग मिल करके जैसे लोग चूहे करते हैं फूड पैकेट हम लोग वैसे लोगों को देते हैं। इसमें सारे जो हमारे कर्मी हैं और पदाधिकारी हैं कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सर्विस, ये कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, तैयार है जैसे लोगों की मदद की जाए और जो हैं और मतलब लॉकडाउन होने से उनके एकदम प्रभावित हुई है और उनके